नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? होप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बात करते हैं पांचवें दिन की। आज है फाइनल डे, पांचवा दिन। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में मैच जा चुका है अभी पूरा। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल कर रहा है मैच को, लेकिन अगर हमारे विराट और रहाणे पहला सेशन दूसरा सेशन खेल जाते हैं, मान लीजिए अगर ये 150-200 रन की पार्टनरशिप यहाँ पे लग जाती है, तो इंडिया के चांसेस बन जाते हैं मैच जीतने के। चलिए मैच जीतना भी नहीं सोचते, अगर मैं ड्रॉ की भी सोचूं तो इन दोनों को तो टिकना ही पड़ेगा। इसके बाद जो आने वाले बैट्समैन हैं, हमारे जडेजा हैं, हमारे भारत हैं, हमारे शार्दुल ठाकुर हैं, इन तीन पे भी बहुत बड़ा एक दबाव रहेगा। लेकिन ये जो जोड़ी है हमारी विराट और रहाणे की, इनका चलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया है भाइयों, ऑस्ट्रेलिया पहले सेशन में बॉल मूवमेंट रहेगा, बहुत ही बड़ी बात है। अब देखते हैं, जोड़ी पे बहुत बड़ा दामोदार रहेगा। मेरा तो प्रेडिक्शन ये रहेगा, वैसे अभी जो मैच दिख रहा है वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर एक चमत्कार हो जाए, हम हिंदुस्तानी हैं, हम चाहेंगे इंडिया जीते और बहुत अच्छा करे और जीते और हमें एक और वर्ल्ड कप मिले टेस्ट मैच वाला, ये ट्रॉफी हमारे हाथों में आ जाए तो चार चांद लग जाएंगे। देखते हैं क्या होता है, लेकिन मेरा प्रेडिक्शन ये रहेगा कि अभी ऑस्ट्रेलिया पूरे मैच को चला रहा है। अगर हमारी जोड़ी रहाणे की और विराट की दो सेशन या 150-200 रन की पार्टनरशिप बोर्ड पे लगा देती है, क्योंकि अभी भी हमें 296 रन चाहिए, 296 रन, कोई ज़्यादा बड़े रन नहीं है और पूरा दिन पड़ा है आपके पास, 90 ओवर पूरे पड़े हैं, पूरे के पूरे पड़े हैं। देखिए क्या होता है, मेरे ख्याल से अगर ये दोनों टिक जाएंगे दो सेशन तो मैच थोड़ा भारत की तरफ आ सकता है, नहीं तो ऑस्ट्रेलिया को होल्ड कर ही रहा है। देखते हैं, होप फॉर द बेस्ट कि इंडिया जीते और एक और कप हमारे पास आए। हम लोग इंडिया के लिए चीयर करेंगे, इंडिया प्लीज़ गो और ये कप हमारे लिए जीत के आओ। वर्ल्ड कप टेस्ट का 2023 हमारा होना चाहिए। गो इंडिया गो। फिर मिलते हैं दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोस पाने के लिए। फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों, बाय बाय।